देव प्रभु चेतनार अभ्युदय भाईचारा रहेब संघति प्रति प्राण को फेरब शांति भोलानंदे भागवतर अपूर्व गाथा शुणवा विरत जगन्नाथ अमृत बाणी मन को करीब शांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरिओं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत मुदीरयेत मूकं करोति वाचालं पंगोर लंघयते गिरीं जत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्द माधव निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतं इव तं भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका गोविन्द 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 पदुगाळुचि मकरन्द श्रीमकरन्द पान करि ब्रज नारी कपय रे निरंतर मन मो निरंतर रहु हा कृष्ण बोली जाओ जीव होते होते उधर राधा धव होते उधर राधा बोल आनंदे कवार आहुरी कवार बोलिए जगन्नाथ भगवान की परम पवित्र भागवत संध्या पूर्ण जीवन रे आसीचे विश्वनाथपुर रे गोपीनाथंकर अपूर्व दांडरे मुहूर्ते मात्र वसी जाई तंकर दर्शन सुख लाभ तंक कथा सुनिवार सौभाग्य प्रभु जीवन रे जुड़ी चंती मो प्राणर ठाकुर समस्तंकर कल्याण करंतु गत पर्याय रे प्रथम स्कंदर षष्ठ अध्याय रे आमे सुनुथिले आकाशवाणी श्री नारद जी को किपरि प्रेरित कले नारद जी श्रवण कले जे ए जीवन रे साधु संग करी दीर्घजीवी हवा पाए एवं से ही साधु संगर पुण्य फल रे आसंता जन्म रे भगवत कृपा मिलिबो एहा निश्चित आसंतु प्रथम स्कंदर षष्ठ अध्याय रे से ही पर्याय रु पुनः प्रवेश करी भागवत आनंद लाभ करिवा बोल आनंदी गवार हरि बोला मोर विषय तोर मति केबे हे नोहिबो दुर्गति सृष्टि प्रलय बाधा जेते केबे हे न लागिब तोते सो अनुग्रहे तेउ ज्ञान हे ममत आकाश वचन बड़ कृपा हला महाप्रभुंकर आकाश वचन शून्यवाणी द्वारा
महाप्रभु कहिले मोर विषय रे तोर मति अटल रहिबो मु तते आशीर्वाद करूची केबे हेले तोर दुर्गति हबो नाही तु सबुबेले भगवत मति हेई रहिबु एमति आकाश वचन सुनी नारद जी आश्वस्त हेले स्वभावे सुहे अंतरिक्षे के ताहा देखिबो व्रतक्षे स्वभावे रूप नाही जारो महामहिमो निर्विकार सेवाणी सुनी चित्ते स्थिरे प्रणाम कली तापयरे बोला नंदी कबार बोला मो भितरे जो चित चंचल्य आसीथिला मनरे जो दुख बा खेद आसीथिला काही गले मोर प्राणनाथ जो सुंदर दर्शन देले देई गले चली चमक बिजुड़ी आउ कौन तंगु धरी परिबि ए जो अपूर्व आशीर्वाद एहा प्रेरणा द्वारा मो भितर गोटे आश्वस्ति भाव गोटे सुंदर आश्वासना सृष्टि हला कले मोर जीवन कृत कृत्य सुण हो सत्यवती सुत मोर जीवन कृत कृत्य सुण हे सत्यवती सुत आउ से बिनु न जानो इयान मो सर्वगति भगवान से बिनु न जानो इयान कले मु केवल आउ केवल भगवान को मन रखिले आउ सब कथा पासुरी गले आमे जे माने संसार रे बंचीचे भगवान को मन रख बोली किछि भगवत कार्य करो बोली जदि कुहा जाय ताले आम भितरे कौन आसे भागवत ताकु जानी चंदी तेणु सही कथा को नारद जी को मुखरे व्यासदेव को प्रति कुहाई दै चंदी कले लाज भय कु परिहरी हृदय गोविंद नाम धरी लाज भय कु परिहरी हृदय गोविंद नाम धरी आउ अनंत नाम गुण जेते चित्ते सुमरी अविरते अनंत नाम गुण जेते चित्ते सुमरी अविरते आउ भूमि करई पर्यटन विगत राग तुष्ट मन भूमि करई पर्यटन विगत राग तुष्ट मन आउ मद मच्छर मान तेजी कृष्ण चरणे दृढ़े भजी मद मच्छर मान तेजी कृष्ण चरण दृढ़े भजी आउ एमते भ्रम दिन दिन निर्मल होइला मो मन एमते भ्रम बोलानंदी कुमार षड रिपु अछंती काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर अन्यर सिरी देखिले ता प्रति ईर्षा रोपण करिबा इति खराब गुण गुड़िए जे मनीष को सत मार्ग रे परिचालित करिवार सुजोग दियंती ने मु ये सब को दूर रे थोई देली हे व्यास जी केवल आउ केवल भगवत गोविंद नाम स्मरण रे रहिली आमे साधारणत भावे एगुड़ा किए कर लाज लगे शिक्षक जड़े भावुंच मो छात्र गुड़ा मुते नाली आखि देखाए भितर पाई करी पिटी जाए से दीजा ये बही मुझे बसिक आनंद कबार लज्जा लगला आनंद कबार हरिबोल मु कह पा दीटा देखिए स्कूल अन्य मान शिखे कह सारे हाथ टेमती हौले बोल आनंद कबार नारद कहले लाज भय कु परिहरी हृदय गोविंद नाम कले मद मच्छर मान तेजी कृष्ण चरणे दृढ़े भजी एमते भ्रम दिनु दिन निर्मल होइला मो मन एमते भ्रम अनुदिन निर्मल होइला मो मन हु एमते मरण नियत काल होइला उपगत चंचले स्पुरे मोर मन तड़ित जेने घने चंचले स्पुरे मोर मन तड़ित जेने आउ दिव्य स्वरूप मुहि देखी तत्क्षण शरीर उपेक्षी दिव्य स्वरूप मुहि देखी तत्क्षण शरीर उपेक्षी आउ आनंदे कृष्ण अनुग्रहे शून्य गमिली दिव्य देहे आनंदे कृष्ण अनुग्रहे शून्य गमिली दिव्य देहे आउ आन
नंदे कृष्ण अनुग्रहे सुन्ये गो मिली दिव्य देह नंदे कृष्ण अनुग्रहे सुन्ये गो मिली दिव्य देह बोल आनंदे कवार बोले जेते बेले नियति बा कालो रो स्पर्जाय आसी ओला मरण से जरे कोला में घरे भी जुड़ी परी तंकर दिव्य रूप फुटी उठिला आखी आगरे भगवत प्रेमी बंधुगण वयोवृद्ध हो गले चिंता शक्ति दुर्बल हो जीवारु भगवत स्मरण हुए ना सहजरे हुए ना आखिरे परल पड़ी जाइतिवारु रूप दर्शन भी हो पारे ना कानर शक्ति दुर्बल हो जाए तेणु तंग नाम भी सुनी हुए ना दांत गुड़ाक पड़ जाइतिवारु आउ कृष्ण बोली उच्चारण करिबा को जिह्वा भी समर्थ हुए ना किंतु जेउ माने अभ्यस्त नारदंक परी शेष सेजरे सोइथिबे हाथ गोड़ चलु नथिबो आखि देखिवार आवश्यकता नाही कान सुनिवार आवश्यकता नाही से माने मनसक्षुरे दर्शन करिवे घन कृष्ण मेघ खंड मध्यरे नवीन नीरद तनु रसराज शेखर महाप्रभु आविर्भाव हेबे बोल आनंद एक बार हरि बोला कले मु तार दर्शन कली एवं आनंद मनरे दिव्य देह नहीं शून्य गमन कल कले कल पांदे दिन प्रलय रे ए सृष्टि देखीण उदरे क्षीर जलधि मध्य स्थित अनंत शयने अच्युत पशिली तार अभ्यंतरे निर्लेप निर्मल शरीर जेबे सहस्र जुग गला शयनु अनंत उठिला तक्षणे ब्रह्म रूप धरि भूमि भियाई सृष्टि करी मरीचियादि सप्त सूत ब्रह्मा मनरु हेले जात मुहि होइली तंक संगे संभूत विधातार अंगे बाह्य अंतरे दृढ़ व्रते ए तीनि लोक भ्रमी नित्ये विष्णुर भावे भ्रमी नीति मोहर अव्याहत गति विष्णु भक्ति भाव भोले मुहि गमयि अंतराले देवक मध्ये मुहि थाई नृत्य करई कृष्ण गाई सुनी संतोष मोर वाणी बिना गोटिए देले आणी शपत स्वर विभूषणा सुस्वर नाद तीनि गुणा स्वर मूर्छना नाद बाई आनंदे कृष्ण गुण गाई निरते भ्रमे त्रिजगते सुण कहिवा जेते बोल आनंदे कवाहुरी भगवान प्रीत ही गले बोले अरे खाली कौन गाउचु ने गोटे वाद्यजंत्र ने ए वाद्यजंत्र रे कृष्ण नाम गा तेणु मोर बाणी बीणा सहित सपत स्वर तीनि गुणर उच्चारण रे मुच्चारण करी आनंद रे नर्तन करिवा को लागली भो व्यास जी से सुख आउ कौन कहिबी कृष्ण रो गुण गाथा घोषी आनंदे सुख ना बेवसी हेले तरीवे हरि गाई अन्यथा सुख लेस नाही हेले तरीवे आनंद मनरे तेणु कृष्ण नाम घोषु थाओ मन सारिकी मन सुआ को कृष्ण कृष्ण शिखे थाओ आपण सोईगले भी कृष्ण नाम कानरे बाजू थाओ आपण तुंडरे उच्चारण नकले भी कृष्ण नाम कर्णरे प्रतिफलित हो थाओ जम नियम जोग पते जेनर साधे अभीरते एना वो पाइब से काही जीवे गोविंद चित्ते नाही सुण हे सत्यवती सुत मोहर पूर्वर चरित जन्म करवादि मोर जेते कहिली तुम्भर अग्रते तुम्भर मन तोष अर्थे कहिली भक्ति जोग जेते सुत कहंति अनुरागे जज्ञे समस्त मुनि आगे बोलानंदे गवार तेणु दस हजार वर्षर जो ज्ञान यज्ञ चली भगवत कथा अमृत जहाँ सरिवार नाम धरुना ही सेई यज्ञ रे सुतजी कहुचंदी मुनि माने नारद जी कहिले व्यास जी
मो भक्तिर समस्त रहस्य मोर जन्मर पूर्व जन्म एवं एबेकार जन्म विषय रे कहिली केमिति मो हाथ को बीणा आसला कहिली केमिति मु त्रिभुवन परिभ्रमण करूँ कृष्ण नाम गाई गाई तुमको कहिली निरते मु कृष्ण नाम रे रत बोल आनंदे एक बार हरि बोला सुतवाच नारद जन्म कर्म कथा विष्णु भक्ति रो व्यवस्था व्यासंको आगे सर्व कही आनंदे वीणा वाद्य बाई आकाश मार्गे गले के बिजुली जन्ने बोला होके बोल आनंदे इतनी की कथा कही हे ऋषि माने सुन व्यास जी को एका छाड़ी दे नारद जी आकाश मार्ग रे अंतर्हित हो गले धन्य महिमा देव ऋषि नीरते कृष्ण नाम घोषी हरि गायने भोल होई विविध छंदे वीणा बाई नीरते भ्रमे तीनि पूरे जगत संकट धरे बोलई दास जगन्नाथ प्रथम स्कंदे भागवत बोलई दास जगन्नाथ प्रथम स्कंदे भागवत बोल आनंद गवार आहुरी एक बार ओम तस्सतीति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संगीतायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवाद नाम षष्ठ अध्याय हरि हरि बोल बोल आनंदे कबार षष्ठ अध्याय तो परिसमाप्ति हला एवे सप्तम अध्याय को गति करिबा व्यासजींकर अवस्था कौन है टिके से संपर्क रे जानिबा द्रौपदी देवी पंचसुत बद्ध करमते द्रोण सुत जेमते दंडिले अर्जुन सप्तम अध्याय रे वर्णन अथ श्री सप्तम अध्याय सौनक उवाच व्यासंकु छाड़ी गंगा कूळे नारद गले जेते बेले चित्ते संशय जेते थीला नारद वाक्य दूर हेला से सर्व गुणे अधिकारी नारद वाक्य चित्ते धरी से सर्व गुणे अधिकारी नारद वाक्य चित्ते धरी बोल आनंदे कबार सौनक जी कहुचंति हे सुत जी जेते बेले पवित्र ज्ञान रो कृष्ण साधर अमृत उपदेश देई श्री नारद जी आकाश मार्ग रे गमन करी गले व्यास जींकर चित संशय दूर होइगला निश्चय से पुणी केउ प्रकार रो कर्म आचरण कले से संपर्क रे कृपा वही आम कुटिकिए कहिबा हुओ बोल आनंदे कबार पुणी की कले पुण्य देहा कहो आम्भंकु जेबे दया हेमंते मुनि प्रसने कृष्ण महिमा सुनी करने सुत कहंती तोष चित्ते मुनि जनंक अग्रते बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल सुत उवाच से ब्रह्म नदीर पश्चिमे आश्रम श्यामा प्राश नामे तही अशेष मुनि जन एणु अनेक यज्ञ स्थान श्याम प्राश नामक आश्रम ब्रह्म नदीर पश्चिम तटरे अनेक मुनि यज्ञशाला निर्माण करी यज्ञ साधन करुचंति मध्ये बदरी नामे वन व्यासंक नियत आश्रम
से बने सरस्वती जले स्नान सारी प्रातः काले बोलानंदे भगवान विष्णु भक्ति चिंती मने मुनि वसिले जोग ध्याने निर्मल मने ध्यान करी कक्षणी प्रभु नरहरी माया सहित हेले दृश्य जे हरि पुराण पुरुष माया सहित हेले दृश्य जे हरि पुराण पुरुष बोल आनंदे गवार जे हरि पुराण पुरुष से स्वयं निजर माया को आवृत करी व्यासदेव जी को से दिन दर्शन देले पवित्र प्रातः काल रे सरस्वती नदी जल रे स्नान करी से भगवान को ठारे जेते बेले मन लगे बसी गले जे माया त्रिगुणे जड़ित जीव जही रे होई ग्रस्त असत्य सत्य प्राय मणि आत्मार गति न प्रमाणी तेणु से जन्मादि अनर्थ जीव को होई प्राप्त ताहाकु धरिबा अर्थे कृष्ण भक्ति जोग पथे रचिले भागवत वाणी हे जीव तोरे जाहा सुनी रचिले भागवत वाणी हे जीव तोरे जाहा सुनी भक्ति लोभे कृष्ण पादे न पड़े शोक मोह द्वंदे भक्ति लभे कृष्ण पादे न पड़े शोक मोह द्वंदे बोल आनंदे गवार सुत कहुचंदी हे सौनक आदि ऋषिगण सुनिबा हुओ सेदिन एक पवित्र प्रभातरे सरस्वतीर नदी जलरे स्नान उपरांते श्री व्यासजी भगवत चरणरे मन निवेश कले माया पटल आबोरी मायाधीश तांको आगरे अवतीर्ण हेले ताहांको करुणारु ताहांको प्राप्ति हवार अमृतमय भगवत वाणी से रचनारे मन निवेश कले कृष्ण पादरे चित्त देले भक्ति कले आउ माया मोह शोकरे व्याधिरे न पड़ी कृष्ण प्रेम रचनारे लागी गले बोल आनंदे गवार हे भक्ति मती मा माने कृष्ण सदृश मोर भाई माने भगवानकर दिव्य करुणारु आजीर संध्यार परिसमाप्तिर निर्देश आसीछि भगवानक पाखरे चित्त को निवेश कर सदा सर्वदा कृष्ण कृष्ण कही दिन बंच आजीर संध्या को एठी विरति सिना दबा आसंता पर्याय रे पुणी भेटिबा व्यास जी कौन कलम करुचंती किपरि रचना आरंभ करुचंती प्रथम स्कंदर सप्तम अध्याय रे पुनः प्रवेश करी जेउ थारु बाकी रखिले सेही थारु आगो को जीवा बोल प्रेमानंदे गवार हरि बोला।